भारतीय जनता पार्टी ने 1999 में पालमपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। उस बैठक में जो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाया जा रहा था, उसको समर्थन देने का निर्णय हुआ था और उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा करने के बारे में फैसला हुआ था। उसके बाद उसमें के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में पूरे देश में राम रथ यात्रा निकाल कर पूरे देश की जनता को इस मुद्दे पर जागृत किया गया था और एक कार सेवा का अभियान लिया गया था अयोध्या की ओर जाने का। उस कार सेवा अभियान में करोड़ों लोग अयोध्या की ओर कूच किए थे और मुझे सौभाग्य है कि मैं भी 1990 की उस कार सेवा में कार सेवक के रूप में मुझे भी जाने का मौका मिला था। शिमला से जो 56 लोगों का जत्था गया था उसके एक सदस्य के रूप में मुझे भी जाने का मौका मिला था। बुलंदशहर रेलवे स्टेशन पर हमें गिरफ्तार किया गया था और फिर वहाँ से निकटवर्ती एक रामपुर नामक स्थान पर जो कॉलेज था उस कॉलेज को जेल में बदला गया था। उस कॉलेज की जेल में हमें जो है वो 20 दिन के लगभग वहाँ रोका गया और उस आंदोलन की समाप्ति पर वहाँ से रिहा किया था। उस दौरान जेल में भी कभी किसी मुद्दे पर कभी किसी मुद्दे पर आंदोलनात्मक कार्यक्रम होते रहे थे। हरियाणा के कार सेवक भी थे। तो मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा महायज्ञ हुआ है उसमें एक छोटी सी आहुति देने का हमें भी मौका मिला, इसके लिए मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी, शहादत दी, वो तो निश्चित रूप से उनके ही बलिदान के कारण, उनके ही त्याग के कारण और लाखों करोड़ों राम भक्तों की तपस्या के कारण ये दिन आज हमने देखा है। निश्चित रूप से रामलला की इस अलौकिक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इससे पूरे देश में राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी, राम राज्य आने की ओर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मेरी अपील समस्त जनता से है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चले। अगर हर देशवासी चाहे वो जिस भी भूमिका में है, चाहे वो नेता है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, सभी लोग जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से इस देश में फिर से राम राज्य आएगा। और पिछले कल के इस कार्यक्रम को, पूरे देश के इस वातावरण को देखने के बाद विश्वास मन में जगा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश में राम राज्य आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।